सो गाइज, मेरी एक पुरानी वीडियो जो कि जामोड गेमिंग पर थी, जिसके अंदर मैंने लकी बॉक्स को खेल कर दिखाया था, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अपनी ऑफिशियल आईडी के अंदर खेल कर दिखाओ। तो यहाँ पर गाइज, मैं अपनी ऑफिशियल आईडी के अंदर आज की इस वीडियो में लकी बॉक्स खेल कर आपको दिखाऊंगा कि मैं हमेशा किस तरीके से लकी बॉक्स खेलता हूँ और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कितने जेम्स यूज़ होते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँगा जामोड गेमिंग के बारे में कि उस चैनल का क्या हुआ, मैं उस पर वीडियोज़ अपलोड क्यों नहीं कर रहा, क्या उसकी तीनों स्ट्राइक्स हट गई हैं या नहीं हटी। तो सारा कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले गाइज, अगर बात करें लकी बॉक्स के बारे में, लकी बॉक्स या इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये डिपेंड करती हैं रैंडम स्क्रिप्ट के ऊपर। अगर आप लोगों को नहीं पता रैंडम स्क्रिप्ट क्या है, तो गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइज, मैं अगर आप लोगों को ईजिली समझाऊँ तो रैंडम स्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है। रैंडम स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ लकी बॉक्स ही नहीं, लकी स्पिन हो गया, इसके अलावा बॉक्सेस हो गए, और इसके अलावा जैसे कि ये सभी गेम्स के अंदर वर्क करता है, जैसे कि फ्री फायर पबजी हो गया, फ्री फायर के अंदर लक रॉयल होता है, ये सारी चीज़ें गाइज रैंडम स्क्रिप्ट के ऊपर चलती हैं। मतलब भाई गेम की जो कंपनी है, जैसे कि कैरम पूल के अंदर, अभी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार मिनी क्लिप हमें ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा अनबॉक्सिंग के टाइम, लेकिन यार मिनी क्लिप के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो आप लोगों के, आप जब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो वो आपके साथ उनका बंदा बैठा होता है और अपनी मर्जी से आपको रिवॉर्ड्स दे रहा होता है, ऐसा नहीं है यार, तो रहने दो फिर। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर भी जो मैंने आप लोगों को लकी बॉक्स का गेम प्ले दिखाया है, वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट गेम प्लेज में से एक है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, कि इस गेम प्ले के अंदर आप लोगों को क्या यूनिक देखने को मिला है। तब तक के लिए मैं आप लोगों को लकी बॉक्स का एक फ़ायदा बताता हूँ। अगर आप गोल्डन शॉट परचेज करते हैं और 1500 जेम्स लेते हैं एक शॉट लगाकर, उसके बाद अगर आप लकी बॉक्स खेलते हैं और आपको यहाँ पर से कोई भी लकी शॉट मिल जाती है, तो आपका रिवॉर्ड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपको अगेन से 1500 जेम्स देखने को मिलेंगे गोल्डन शॉट के अंदर। और अगर आप लोग ने अभी तक कमेंट करके नहीं बताया तो मैं आप लोग को बता दूं, लेवल 20 तक मैंने एक भी जेम्स यूज़ नहीं किया, लेकिन लेवल 21 पर जाकर मुझे यहाँ पर 20 जेम्स देने को मिले, किसके अंदर, लकी बॉक्स के अंदर। भाई आई थिंक ये यार मेरा वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है। अगर आप लोगों ने इससे भी आगे लेवल तक 0 जेम्स तक खेला है लकी बॉक्स के अंदर, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी से बताना है। मेरा एक बॉम्ब निकला था, बट क्योंकि आप लोगों को पता है पहली बार अगर हमारा रॉन्ग निकलता है तो हमें एक ऐड देखकर स्किप करने का ऑप्शन मिलता है। और गाइज, यहाँ पर एक और फ़ायदा भी आप लोगों को पता ही होगा लकी बॉक्स का, कि लकी बॉक्स के अंदर हम लोगों को जो सिंगापुर के गोल्डन चेस्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और सब लोगों को पता है सिंगापुर के गोल्डन चेस्ट के अंदर माया, तूफान और फोनिक्स स्ट्राइकर निकलते हैं। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पुराने स्ट्राइकर ही हमेशा के हमेशा निकलते रहते हैं, इसलिए हम लोग लकी बॉक्स को खेलते ही नहीं हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जेम्स यूज़ होते हैं। तो गाइज, मेरे पास भी जो लकी बॉक्स है उसके जो है ना वो पुराने स्ट्राइकर्स निकलते हैं गोल्डन, सिंगापुर के गोल्डन चेस्ट के अंदर। बट गाइज, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं निकलते, काफ़ी बार मेरा तो माया स्ट्राइकर तो पूरा अनलॉक हुआ है लकी बॉक्स गोल्डन बॉक्स के अंदर। इसके अलावा तूफान आधा अनलॉक हो गया, फोनेक्स एक आईडी में पूरा अनलॉक हुआ है और दूसरी में ऑलमोस्ट अनलॉक होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लकी बॉक्स की वजह से। तो चलिए गाइज, अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मेन चैनल जामोड गेमिंग के बारे में। तो मैंने आप लोगों को कहा था शाम तक अगर वो स्ट्राइक वापस नहीं लेता तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, लेकिन मैंने शेयर नहीं की। उसकी वजह यह है कि वो मान गया था कि भाई मैं स्ट्राइक वापस लूँगा, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से मुकर गया, अभी बोल रहा है कि भाई मैं स्ट्राइक वापस नहीं लूँगा, मुझे पहले पैसे चाहिए। तो गाइज़ यार, मैं पैसे देने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके ऊपर बिल्कुल ज़रा सा भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो पैसे लेने के बाद फिर से बोलेगा कि भाई तुम्हें पैसे दो तभी मैं स्ट्राइक हटाऊंगा। तो मतलब यही सीन है। अभी मैं जो है ना सिर्फ 11 तारीख तक उसका वेट कर रहा हूँ, आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख है, कल कन्फर्म मैं उसकी सारी डिटेल्स मैं जो है ना वो शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी भी मैं यही सोचता हूँ कि हो सकता है वो एक दिन के अंदर मान जाए, वरना 13 तारीख को हमारा जो जामोड़ गेमिंग चैनल है वो बैन हो जाएगा। तो ये मतलब स्टोरी थी जामोड़ गेमिंग की, उस पर मैं वीडियोस अपलोड करता अगर उसकी जो अपलोडिंग है वो डिसेबल ना होती, मतलब यूट्यूब ने हमारी अपलोडिंग्स डिसेबल कर दी है, और अगर 13 तारीख तक कोई भी स्ट्राइक नहीं हटती तो हमारा चैनल भी डिसेबल हो जाएगा यूट्यूब से। तो गाइज, आई होप अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू हो और कैरमपुर से रिलेटेड डेली वीडियोज़ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आल पर सेट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।